प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होती है, कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उसको ठीक से सही ढंग से हाँ ठीक है, तो हर बात हर वर्ड ठीक से सुनिए और उसको ठीक से पढ़िए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम बेसिकली सो मेनी प्रॉपर्टीज आर देयर, ओके। सो दीज प्रॉपर्टीज दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस और टू टाइप्स, दे आर द वी कैन से फर्स्ट वन इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, और दूसरे होते हैं वो होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ओके। वन बाय वन देखेंगे अभी, पहले हेडिंग लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, ओके। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर सच प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर सच प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैट सिस्टम और साइज ऑफ द सिस्टम, सच प्रॉपर्टीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इन शॉर्ट सच प्रॉपर इन शॉर्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं कि जिस प्रॉपर्टी का वैल्यू सिस्टम में अमाउंट सब्सटेंस का कितना है या फिर सिस्टम की साइज कितनी है, इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू डिपेंड्स करते हैं, वैसे प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ओके। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो उसके एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनका वैल्यू सिस्टम के साइज़ के ऊपर या फिर सिस्टम में कितना अमाउंट का सब्सटेंस है, इसके ऊपर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू कतई डिपेंड नहीं होते, ओके। और ऐसे प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। सो अब ये सब डेफिनेशन से आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं, इसको कैसे पढ़ना है कैसे समझना है ये देख लीजिए, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, और एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि डेफिनेशन के ऊपर, उसके एग्जांपल दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसी है, आइदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उसको मीन्स रट्टा मार के याद नहीं रख सकते हो, और याद भी रखने का प्रयास किया तो भी वो उसको ठीक से आप मतलब रिकॉल नहीं करोगे, उसको ठीक से एग्ज़ाम में नहीं उसको परफॉर्म कर पाओगे। देयरफॉर उसका एक ही जरिया है कि उसको ठीक से सही ढंग से समझो, हर प्रॉपर्टी को समझो, उसका कैसे होता है चेंजेस वो भी ठीक से समझो, ठीक है। ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, सपोज़ ये एक सिस्टम है, इसमें सपोज़ एक गैस इनक्लोज किया है, ठीक है। अभी ये क्लोज्ड सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। सपोज़ ये क्लोज्ड सिस्टम के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर आप दो तीन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे आपको समझने के लिए, ठीक है। सपोज़ ये सिस्टम में जो गैस इनक्लोज किया है उसका मास m है, उसका वॉल्यूम v है, और उसका टेम्परेचर t है, और उसका प्रेशर p है। वो जो गैस हमने इनक्लोज किया है उसका ये फोर प्रॉपर्टीज ऐसे है उसके, ठीक है। अभी समझो, अभी ये जो क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम के सपोज़ हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर तीन इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी इक्वल हो गए ऐसे समझ लो, इक्वल पार्ट है, सपोज ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तो ये तीन इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये तीन इक्वल पार्ट अगर हम सिस्टम के करते हैं तो उसके बाद में ये चार प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूज़ किस तरह से बदलते हैं या फिर बदलते नहीं, जिनके वैल्यू बदलते हैं सिस्टम को डिवाइड करने के बाद वैसे प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगे, और जिनके वैल्यूज़ नहीं बदलेंगे वो प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अभी सीधा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, मास जो सिस्टम का है वो सिस्टम का मास पहले m था, हमने अभी इसको डिवाइड किया तीन इक्वल पार्ट में, तो फिर मास ये तीनों का ही जो पहले था जितना उतना ही रहेगा या फिर डिवाइड होगा, मास कम होगा,
तो ऑफ कोर्स मास जो भी होगा वो कम होगा, मतलब मास या इस पोर्शन का मास होगा m बाई थ्री, इस पोर्शन का मास होगा m बाई थ्री, और इस पोर्शन का भी मास क्या होगा m बाई थ्री। ठीक है, मतलब मास तो डिवाइड होगा, मास का वैल्यू जो है कम होगा। इसी तरह से वो जो कंटेनर है, वो जो गैस से इनक्लोज किया है, उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो भी तो क्या होगा डिवाइड होगा, वो भी तो कम होगा। इसका वॉल्यूम होगा v बाय थ्री, इसका होगा v बाय थ्री, इसका भी होगा v बाय थ्री। ठीक है, अभी ये दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझो। अभी ये जो टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर भी यहाँ पे t बाय थ्री, इसका t बाय थ्री, इसका t बाय थ्री होगा? तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। समझो हमारे घर में रूम है, हमारा जो रूम है वो रूम को सपोज़ हम डिवाइड करते हैं तीन चार इक्वल पोर्शन में, समझो डिवाइड करते हैं, हमने हमें करना नहीं है वैसा, समझो। इस टॉपिक में हर बात, हर कोई चीज़ आपको समझकर ही समझ में आने वाली है। ओके, करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझो आपको अपने आप वो आ जाएगा। सपोज़ आपका जो रूम है उसको सपोज़ हमने तीन चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या फिर वो रूम का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा जो पहले था? नहीं, वॉल्यूम चेंज होगा। वो जो भी उसका साइज़ है, साइज़ मतलब एरिया जो है, एरिया भी कम होगा। मतलब ये जो मास है, वॉल्यूम है, ये कैसे प्रॉपर्टीज़ है? ऐसे प्रॉपर्टीज़ है कि जो सिस्टम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिस्टम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है इसके ऊपर ये इनका वैल्यू डिपेंड होता है। इसीलिए ये मास, वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, और वी कैन से और भी कुछ प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टीज़ हम एक्सटेंशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देख लीजिए, तो फिर वो रूम का जो हम डिवाइड करने की बात, क्या टेम्परेचर भी डिवाइड होगा? सपोज़ रूम को हम तीन इक्वल पार्ट में, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो क्या सपोज़ टेम्परेचर पहले 40 डिग्री था, तो फिर अपन अगर रूम को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे कोई भी, तो फिर क्या चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या टेम्परेचर भी 40 से डिवाइड होके कम होके वो चार इक्वल पार्ट का टेम्परेचर हर एक का 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री ऐसा हो जाएगा? ऐसा कतई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो सिस्टम के साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है, सिस्टम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। देयरफॉर टेम्परेचर ऐसी प्रॉपर्टी है, वो कैसी है, उसका वैल्यू दैट इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम। देयरफॉर टेम्परेचर यहाँ पे टी बाई थ्री ऐसा नहीं होगा। तो फिर टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर यहाँ पर भी टी रहेगा, यहाँ पर भी टी रहेगा, और यहाँ पर भी टी रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर भी सेम रहेगा। अभी प्रेशर देख लीजिए, अभी प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर भी कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी यहाँ पर आपको समझ हमें आएगा आएगा, इसको समझ। प्रेशर जो है, एक कंटेनर का प्रेशर, तीनों ही कंटेनर का प्रेशर भी यहाँ पर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। ओके, क्योंकि प्रेशर मतलब क्या होता है? प्रेशर इज़ नथिंग बट वी कैन से द फोर्स, प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी यहाँ पे देख लीजिए, हम इसको और भी थोड़ी देर के बाद समझेंगे ठीक से। एफ बाई ए पी मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो कंटेनर में है वो चेंज नहीं होगा अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो भी। इसीलिए प्रेशर ये प्रॉपर्टी जो है वो कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसको इसको और पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद में, प्रेशर को हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर आपको ठीक से समझ में आया होगा, प्रेशर भी थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सो राइट डाउन, दीज आर सच प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम whose values are depends on the size of system or amount of substance
प्रेजेंट इन द सिस्टम, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन सिस्टम आर कॉल्ड एज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ये आपने देख लिया, दो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया, कोई भी सरफेस एरिया हम उसको डिवाइड करते हैं तो सरफेस एरिया तो कम हो जाएगा ही। हम कितना भी सरफेस को, हम सपोज ये बोर्ड है, बोर्ड का हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया चार पार्ट में, तो इसका एरिया कम होगा ही होगा। मतलब बोर्ड का जो एरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो बोर्ड के साइज़ के ऊपर डिपेंड है। मतलब बोर्ड का सरफेस एरिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंशन प्रॉपर्टी है। इसी तरह से इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो द एक्सटेंशन प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंशन प्रॉपर्टी किस तरह से है, इंटरनल एनर्जी देख लीजिए, किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी, वो सब्सटेंस में कितना कंटेंट है, अमाउंट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड होती है इंटरनल एनर्जी। और एंथैल्पी, ये जो टर्म है आपको कोई आने समझ में आएगा थोड़ी देर के बाद, एंथैल्पी है, देन एंट्रोपी है, हम यही पढ़ना है, एंथैल्पी एंट्रोपी, देन गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी ETC, ये सारे प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल हैं, और भी सारे हैं। ठीक है, सो इसके अलावा भी हम अगर देख सकते हैं, देखना है हीट कैपेसिटी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहीं पर इसको लिखता हूँ। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया होगा, और भी कुछ होते हैं जैसे हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है, सपोज ये हीट कैपेसिटी, इसको ऐसे समझो, इसको आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो, हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी सब्सटेंस की हीट उसके अंदर एब्सॉर्ब करने की पावर, उसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। उसको ठीक से उसका जो टर्म है, और फिजिक्स में और अच्छी तरह से पढ़ते हो उसको, लेकिन यहाँ पर ऐसा पढ़ो कि समझो ये एक आयरन का ब्लॉक है, ये क्या है, आयन का ब्लॉक है, ये आयन के ब्लॉक, ये आयन का ब्लॉक सबसे छोटा है, आयन का ब्लॉक है समझो, एक छोटा ब्लॉक है और एक बड़ा ब्लॉक है। तो छोटा ब्लॉक में हीट ज़्यादा हो जाएगी स्टोर, या फिर बड़े ब्लॉक में ज़्यादा हीट स्टोर हो जाएगी, एब्सॉर्ब हो जाएगी, ऑफकोर्स जो बड़ा ब्लॉक है उसके अंदर हीट ज़्यादा एब्सॉर्ब हो जाएगी। मतलब हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी सब्सटेंस की हीट रिस्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो फिर जितना भी छोटा बॉक्स होगा, जितना भी छोटा कंटेनर होगा, उसमें कम हीट हो जाएगी, ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा हीट बैठेगी। मतलब हीट कैपेसिटी कैसी है, हीट कैपेसिटी ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, ठीक से पढ़ो इसको। देन और भी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि फोर्स है, सेकंड टर्म पढ़ेंगे हम, उसका नाम है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अभी यहाँ पर आपको उसका डेफिनेशन समझ में आया होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं कि एक्सटेंसिव तो हमने पढ़ लिया, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जिनका जो वैल्यू है वो सिस्टम का साइज कितना है उसके ऊपर उनके वैल्यू डिपेंड नहीं होते। जैसे हमने अभी पढ़ा कि टेम्परेचर ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, सो डेफिनेशन विल बी द, वी कैन से द प्रॉपर्टीज
द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और साइज ऑफ सिस्टम ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, टेम्परेचर देन प्रेशर, ठीक है, और भी देखेंगे हम, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देन मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे प्रॉपर्टी कैसे हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। देख लीजिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे हम। सपोज बॉइलिंग पॉइंट, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी किस तरह से, सपोज फॉर एग्जांपल हमने वाटर को बॉईल करना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। सपोज हमने 1 लीटर वाटर लिया, उसको बॉईल करने स्टार्ट किया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। 1 लीटर के 1 लीटर ना लेके हमने उसका जो अमाउंट है वो कम करके, सपोज हमने 200 ml ही ले लिया, 200 ml वाटर ले लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाला, तो वो कितना आएगा, उसका भी 100 आएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्या, नहीं, हम चाहे कितना भी वाटर ले लो, 1 लीटर लो, 200 ml लो, या फिर 10 ml भी लिए, या फिर 5 ml, या फिर 1 ml, कितना भी हमने अमाउंट ले लिया सब वाटर का, तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आने वाला है, 100 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमने चाहे वाटर कितना भी ले लो, उसको बॉइल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होना है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट ही कितना सब्सटेंस लेते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका कॉन्स्टेंट ही रहेगा, चाहे हम सब्सटेंस कम ले लो, उसको मेल्ट करेंगे तो भी उसको उसी टेम्परेचर पर मेल्ट होना है, या फिर ज़्यादा लेंगे तो भी उसको उसी टेम्परेचर पर मेल्ट होना है। देन आफ्टर वी कैन से विस्कोसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सपोज कुटलेस विस्कोसिटी इज नथिंग बट वी कैन से कोई लिक्विड ले लो, लिक्विड हम ज़्यादा ले लेंगे तो भी वो सेम विस्कस रहेगा, या फिर हम लिक्विड कम ले लेंगे उसको भी तो विस्कस नेचर जो है वो उतना ही रहेगा। मतलब हम लिक्विड कौन सा भी कितना ही ले लो, अमाउंट उसका कम रहो या फिर ज़्यादा हो, उसका जो विस्कस नेचर है वो कम या ज़्यादा नहीं होता। देयरफॉर विस्कोसिटी ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे सरफेस टेंशन वाटर का या फिर कोई भी लिक्विड का, वो जो है वो उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता, इसलिए सरफेस टेंशन ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, देन डेंसिटी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो इसी तरह से हम देखेंगे और भी कुछ प्रॉपर्टी है जिसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी इसको हम और पढ़ेंगे, देखिए कुछ हम उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे कि हम देखो कभी भी हम अगर
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम अगर हम उसको ऐड कर सकते हैं, मतलब m बाय थ्री जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है ना वो एडिटिव इन नेचर होते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं, ऐड उसको हम कर सकते हैं, मतलब उसको हम ऐड करेंगे तो पूरा जो प्रॉपर्टी का को वैल्यू मिलेगा। मतलब m बाय थ्री हम यहाँ पर करेंगे, सपोज़ m बाय थ्री प्लस m बाय थ्री प्लस m बाय थ्री करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलना है, m मिलना है। उसको वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, m मिलेगी। मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, मींस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ दे आर एडिटिव इन नेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, वेयर एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम ऐड नहीं कर सकते। कैसा, देख लीजिए यहाँ पर, सपोज टेम्परेचर ये कंटेनर का हमने कितना, सपोज हम टेम्परेचर इसका हम देखेंगे, सपोज टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब हम पूरा कंटेनर का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो फिर ये जो 1/3 पार्ट है उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर कितना रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर कितना रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होती इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की, वो सिस्टम को हम डिवाइड करेंगे तो भी, तो फिर क्या ये 20 प्लस 20 प्लस 20 हम लिख सकते हैं क्या, फिर ये ऐसा कर सकते हैं हम, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ दे आर नॉन एडिटिव इन नेचर, मतलब उनका हम एडिशन नहीं कर सकते। मीन्स इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर नॉट नॉन एडिटिव इन नेचर, ठीक है। दूसरा देखेंगे, कभी भी देखो, कभी भी सपोज इसको हम देखेंगे, सॉरी यस करेंगे इसको, ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये हो गया पहला कैरेक्टर उसका, कि हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं वेयर एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम ऐड नहीं कर सकते। मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दे आर एडिटिव इन नेचर, वेयर एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दे आर नॉट एडिटिव इन नेचर, इज क्लियर। उसका दूसरा कैरेक्टर देखिए, दूसरा कैरेक्टर ऐसा है कि कभी भी सपोज ए एंड बी आर टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, आर टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, देन यहाँ पर देख लीजिए कि कभी भी ये दो अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का हम रेशियो लेते हैं, देन ए अपॉन बी, मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो कभी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, या फिर उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, डी ए अपॉन डी बी, ये भी हम करेंगे तो भी ये क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इस क्लियर। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल सी मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी, तो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, डेंसिटी इट इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मास कैसा है, मास है एक्सटेंसिव, मास कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हम देखेंगे तो वो क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे दूसरा देखेंगे, सपोज अभी हमने जो देखा प्रेशर इज नथिंग बट वॉट, प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू नथिंग बट द, वी कैन से सी फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट द प्रेशर,
इसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसको प्रेशर को हम ऐसा भी देख सकते हैं। देख लीजिए पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, वी नो वेरी वेल दिस आइडियल गैस इक्वेशन। देयरफॉर पी इज इक्वल्स टू नथिंग बट द एन अपॉन वी, पी वी, ओके एन अपॉन वी। सो यहाँ पर पी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एन आर टी अपॉन वी। तो एन क्या है यहाँ पर, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंशन प्रॉपर्टी होती है, जो मैं भूल गया बोलने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स कभी भी क्या होता है, एक्सटेंशन प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना उसका वैल्यू ज़्यादा होगा ना। सपोज फाइव मोल और वी कैन से 10 मोल, 5 मोल्स कम हो गए, 10 मोल ज़्यादा हो गए, मतलब मोल ही जो प्रॉपर्टी है ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंशिव प्रॉपर्टी है। इट्स क्लियर। सो मोल एक्सटेंशिव प्रॉपर्टी है, आर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए आपको समझने के लिए, एन अपॉन वी इंटू आर टी। इट्स क्लियर। टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। हियर एन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स, वी इज व्हाट, वॉल्यूम। सो मोल अपॉन वी, ये एक्सटेंशिव प्रॉपर्टी, ये भी एक्सटेंशिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंशिव प्रॉपर्टी का रेशियो प्रेशर, मतलब प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंशिव प्रॉपर्टी, प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है। देयरफॉर प्रेशर इज इंटेंशिव प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंशिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसलिए प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इंटेंशिव प्रॉपर्टी। इज क्लियर। सो अभी ये हो गया, इसको हम